मेरा नाम अतीक अहमद है। मेरे फादर, जिनकी उम्र लगभग 84 साल के आसपास है, उनको पहली बार खाना खाने में अप्रैल या मई के महीने में पहली बार प्रॉब्लम हुई। जब हमने उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कराया तो उन्होंने बताया कि इनके जो है खाने वाली नली और जो पेट का एक जंक्शन पॉइंट, जिसे जीई पॉइंट बोलते हैं, वहाँ पर एक गांठ का ग्रोथ हो रहा है। और जो इनको प्रॉब्लम थी वो थी कार्सिनोमा इसोफेगस लोअर एंड, एंड इट वाज गोइंग टू स्टमक। तो जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो जो ट्रीटमेंट होता है, आइडियली अगर यंग पेशेंट होते तो व्हाट वुड हैव बीन हैपन कि इनका पहले रेडिएशन होता, उसके बाद सर्जरी और कीमोथेरेपी। लेकिन 84 इयर्स की एज में, बिकॉज ये बिल्कुल फिट भी नहीं थे सर्जरी के लिए, और ये सोचा जा रहा था कि क्या करें। सबसे ज़्यादा जो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होता है वो रेडिएशन और सर्जरी होता है, लेकिन सर्जरी इस बिकॉज ऑफ कोमॉर्बिडिटीज नहीं पॉसिबल थी, इसलिए इनको रेडिएशन से ठीक करने का पूरा हम लोगों ने कोशिश करी। बिकॉज ऑफ दैट टारगेटेड रेडिएशन, हमने टोमोथेरेपी से इनका रेडिएशन किया। पहले पेशेंट को समझाया गया कि कितना घंटे का हमें फास्टिंग चाहिए, उसको टोमोथेरेपी से हमने जो सीटी स्कैन किया, प्री ऑप इमेजिंग जो करी, उसको टारगेट किया, देखा, फिर हमने ट्रीट किया। और उसके बाद जब ये पूरा आरटी और सीटी का जो हमारा प्लान था वो पूरा हो गया, उसके लगभग 3 हफ्ते के बाद उनको बहुत आराम लगी। और विश्वास करिए कि जो बिल्कुल कुछ भी, इवन पानी पीने में भी दिक्कत हो रही थी, उससे बहुत बेहतर हुआ और हल्की सी खिचड़ी या लिक्विड डाइट पर आ गए। फिर उसके बाद विद इन ए वीक 2 जो है वो पूरी तरह से नॉर्मल खाना खाने पीने लगे। तो हमको लगा कि डेफिनेटली उसमें जो है वो जो गांठ बन रही थी वो स्क्वीज होगी हुई होगी, इसी वजह से ये स्पेस क्रिएट हुआ है और वो खाना खा पा रहे हैं नॉर्मली। खाने में दिक्कत, पानी पीने में दिक्कत, पेन होता था, उसके बाद अब इम्प्रूवमेंट हो गया, अब रोटी भी खा लेते हैं। तो वी आर हैप्पी विद दैट। हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सभी का, टीम मेंबर्स के, जिन्होंने हमें इस जर्नी को कंप्लीट करने में सहयोग दिया। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट हेल्थ केयर अपडेट्स।